नर्सिंग की दुनिया ए टू जेड नर्सिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड ड्रग ऑफ चॉइस की एक लिस्ट है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। मोस्टली क्वेश्चन इसमें अपडेट हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं पूरी लिस्ट। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक्यूट सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम जो होता है, ACAS सिंड्रोम जो होता है, एक्यूट सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम, उसको सही करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो फिजोस्टिग्माइन होती है। माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो होती है पायरिडो स्टिग्माइन, माइस्थेनिया ग्रेविस में। नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस जो है उसमें हम देते हैं डेस्मोप्रेसिन। दोस्तों, अगर इसके अंदर अलार्म थेरेपी लिखा हो ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन वो जाता है, बट अगर ड्रग्स की बात हो तो डेस्मोप्रेसिन देते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीफाइलेटिक शोक। एंटीफाइलेटिक शोक के अंदर हम एड्रेनलिन देते हैं, ADR एंटीफाइलेटिक शोक के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस। स्टेटस एप्लीकेटस जो होता है उसका ड्रग ऑफ चॉइस डाइजपाम होता है। सिफिलिस का ड्रग ऑफ चॉइस प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर पेंसिलिन होता है। सिफिलिस का ड्रग ऑफ चॉइस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पेंसिलिन होता है। टाइफॉइड फीवर का ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्राइक्जोन होता है, एंटीबायोटिक होता है। प्राइमरी सिफिलिस का एंटीबायोटिक एंटीडोट जो होता है या ड्रग ऑफ चॉइस है वो है बेंजाथिन पेंसिलिन। रूमेटिक फीवर का ड्रग ऑफ चॉइस बेंजाथिलिन पेंसिलिन। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर हम देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस रिफाम्पिसिन, ये एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में रिफाम्पिसिन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। लेप्रोसी का ड्रग ऑफ चॉइस भी रिफाम्पिसिन है। मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्लोरोक्विनिन है, सेफ ड्रग है ये। कोलेरा का ड्रग ऑफ चॉइस जो है ट्राईसाइक्लिन है, TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिपरजेंट। तो कोलेरा सॉरी 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 कोलेरा का टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन TCA। एस्केरियसिस जो है उसका ड्रग ऑफ चॉइस एल्बेंडा जोल होता है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा जब होता है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो होता है टेमोक्सीफेन सिट्रेट। एक्यूट एमआई में हम एस्प्रिन देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस एस्प्रिन है। हार्ट फेलियर के अंदर डिगोक्सिन दिया जाता है जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस MGSO4 है, एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस MGSO4 है। दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही इस लिस्ट में हैं। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, का ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है मिथाइल डोपा। जोलिंगर इलीजन सिंड्रोम में हम ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर देते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ओके, जैसे पेंटोप होता है। अगला है थायोफाइलीन। पॉइजनिंग के अंदर हम देते हैं प्रोपेरानोलोल। अगला है थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रोफाइल थायरोयूरेसिल। एक्यूट एड्रिनल इनसुफिशियंसी, का ड्रग ऑफ चॉइस है IV हाइड्रोकोर्टिसोन, स्टेरॉइड होता है।
एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में अगर एपिलेप्सी आता है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बामेजापाइन, कार्बामेजापाइन। बाइपोलार मूड डिसऑर्डर, ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम, मेनिया का होता है तो ड्रग बाइपोलार का अगर स्पेशल पूछते हैं तो लिथियम आएगा, और मेनिया का ड्रग ऑफ चॉइस भी लिथियम होता है। पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर, पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर का ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बमेजापाइन। ये देखो दोस्तों आ गया, मेनिया का ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो होता है लिथियम। गाउट का ड्रग ऑफ चॉइस जो है आलू पूरी नॉल, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कैंसर पेन में हम क्या देते हैं, ओपोइड्स देते हैं, ओपोइड इफेक्टिव होते हैं। डायरियल एपिसोड जो है उसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की वजह से डायरिया रुकते हैं। इसके बीज का ड्रग ऑफ चॉइस है परमेथ्रिन, इसके बीज का ड्रग ऑफ चॉइस परमेथ्रिन। इंड्यूज प्यूपिलरी डायलेशन, ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रोपिन। इंड्यूस प्यूपिलरी डायलेशन को बढ़ाने के लिए हम एट्रोपिन का यूज लेते हैं। अस्थमा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती हैं वो ब्रोंकोडायलेटर होती हैं, ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए। स्टेटस अस्थमेटिकस का ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो इनहेल्ड बेटा एड्रेनर्जिक एजेंट होते हैं, इनहेलेशन के द्वारा देते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ड्रग ऑफ चॉइस हेपारिन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम हेपारिन देते हैं, ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का ड्रग ऑफ चॉइस है एडेनोसाइन। आप मन मन में याद करें, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें, एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इम्प्रूव प्लेटलेट काउंट, अगर प्लेटलेट काउंट है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कोर्टिको स्टेरॉइड है, क्योंकि प्लेटलेट बड़े हुए हैं तो बोन मेरो ज़्यादा काम कर रही है। कोर्टिको स्टेरॉइड क्या करते हैं, बोन मेरो को डिप्रेस करते हैं। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया, इसका ड्रग ऑफ चॉइस है जाइलोकेन। इम्प्रूव कार्डियक परफॉर्मेंस, कार्डियक परफॉर्मेंस के लिए आइनोट्रोपिक एजेंट ड्रग ऑफ चॉइस। कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में हम देते हैं डोपामाइन, डोपामीन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म का ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है लीवोथायरोक्सिन सोडियम। हाइपोथायरॉयडिज्म का देखते हैं, ये हाइपरथायरॉयडिज्म का लीवोथायरोक्सिन सोडियम और हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रोफाइल थायरोयूरेसिल और मेथामेजोल। थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक का ड्रग ऑफ चॉइस एस्प्रिन होता है। रूमेटोइड आर्थराइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस इबुप्रोफेन होता है। कन्वल्जन फिनोबार्बिटोन, कन्वल्जन के अंदर फिनोबार्बिटोन देते हैं। बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के अंदर बेंजाइल पेंसिलिन देते हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर मेट्रोनिडाजोल देते हैं। कैंपिलोबैक्टर एंटेरोकोलाइटिस के अंदर एरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। क्लेमाइडिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो है एजिथ्रोमाइसिन है। कोलेरा का ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ड्रग ऑफ चॉइस, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कंजक्टिवाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल वही ड्रग है जिससे ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। तो कंजक्टिवाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरामफेनिकोल। जियार्डियासिस का ड्रग ऑफ चॉइस है ऑर्निडाजोल। गोनेरिया का ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है
सेफ्ट्राइजोन और एजिथ्रोमाइसिन। गोनेरिया का ड्रग ऑफ चॉइस है सेफ्ट्राइजोन और एजिथ्रोमाइसिन। मलेरिया का ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोक्विनिन, और प्रेग्नेंट लेडी के अंदर भी क्लोरोक्विनिन ही दिया था। ओटाइटिस मीडिया जो है उसका ड्रग ऑफ चॉइस है अमोक्सीसाइलिन साइक्लिन, और फेरेंजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस भी अमोक्सीसाइक्लिन ही होता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID, ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो सेफ्ट्राइजोन है। पर्टुसिस का ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन होता है। न्यूमोनिया अगर एडल्ट में है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस है एमोक्सीसाइक्लिन, और फाइलोनेफ्राइटिस एडल्ट में है तो उसका ड्रग है कोट्रीमोक्साजोल। टाइफाइड का ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोम्फेनिकोल। यूटीआई अगर एडल्ट में है ट्राइमिथोप्रीम और नाइट्रोफंटाइन ड्रग ऑफ चॉइस होता है यूटीआई की वजह का। यूटीआई अगर बच्चों में है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस कोट्रीमोक्साजोल होता है। साल्मोनेला एंटेरोकोलाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ट्राइकोमोनेलिस मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ग्रैंड माल एपिलेप्सी जो होता है उसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है फेनिटोइन। मशरूम पॉइजनिंग के अंदर एट्रोपिन देते हैं, ये क्वेश्चन भी मेनी टाइम रिपीटेड है। बेंजोडाइजापीन पॉइजनिंग का फ्लुमजानिल। दोस्तों ये सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं उनकी लिस्ट है, तो इनको एक बार आप कंटेस्ट याद करें क्योंकि इन्हीं में से बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। प्रीएक्लेम्सिया मैग्नीशियम सल्फेट। प्रीएक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीबी जो है आइसोनियाजिड INH बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ये भी। प्रोफाइलेक्सिस में भी आइसोनियाजिड देते हैं। सिंपल हर्पीज वायरस इन्फेक्शन। सिंपल हर्पीज वायरस इन्फेक्शन का ड्रग ऑफ चॉइस है एसाइक्लोविर। हुक वॉर्म इन्फेक्शन का ड्रग ऑफ चॉइस है एल्बेंडाजोल। लेप्टोस्पोरियोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस है पेंसिलीन, और रूमेटिक हार्ट डिजीज का ड्रग ऑफ चॉइस है इरिथ्रोमाइसिन। दोस्तों हमारे साथ चैनल से जुड़े रहें, आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट एग्जाम में आए हुए हैं हम बताते रहेंगे। हमारे चैनल पर वीडियो के ब्लॉक में जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, प्रीवियस पेपर भी हमने अपलोड कर रखे हैं, तो जो पुराने पेपर हैं एग्ज़ाम में आए हुए वो भी हम समय समय पर अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।